at the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. देश इस साल आज़ादी का 75वां साल मना रहा है। इस मौके पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बता दें, देश को स्वतंत्र कराने में कर्नाटक के उल्लाल की कित्तूर चेन्नम्मा और अब्बक्का महादेवी जैसी महिलाओं के सहयोग को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आइए उनके योगदान पर डालते हैं एक नज़र। कित्तूर की रानियों और कर्नाटक के उल्लाल ने छोटे प्रांतों पर शासन किया। हालांकि चेन्नम्मा और अब्बक्का की यूरोपीय शक्तियों के खिलाफ लड़ाई ने देश को दास्ता से दूर होने के लिए प्रेरित किया। चेन्नम्मा देश की पहली वीर महिला हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वह काक्तिया देसाई दुल्लप्पा गौड़ा और पद्मावती की इकलौती बेटी थीं। 1782 में चेन्नम्मा ने कित्तूर से मल्लसर्जा से विवाह किया। 1816 में मल्लसर्जा की मृत्यु के बाद चेन्नम्मा ने सिंहासन के लिए एक उत्तराधिकारी को गोद लिया, तो अंग्रेजों ने कित्तूर पर कब्जा करने की कोशिश की। जब चेन्नम्मा ने इसका विद्रोह किया तो 23 अक्टूबर 1824 को ब्रिटिश कलेक्टर जॉन ठाकरे ने कित्तूर पर चढ़ाई की और जबरदस्ती कित्तूर किले के द्वार खोलने की कोशिश की। कित्तूर चेन्नम्मा ने अपनी सेना और सेनापतियों संगोली रायना और अमातुर बल्लपा के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसी की याद में हर साल 23 अक्टूबर को कित्तूर महोत्सव आयोजित किया जाता है। चेन्नम्मा ने 2 फरवरी 1829 को अंतिम सांस ली। ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ದಿವಸವನ್ನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವಳ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಅದರ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾದ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಇಂಥ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಿಚಿತ ಆಗಬೇಕಾದಂತ ಮಹಾರಾಣಿ। ತುಳುನಾಡು में उल्लाल की रानी अब्बक्का देवी उपनिवेशक शासकों के खिलाफ लड़ने वाली देश की पहली सेनानियों में से एक हैं। वह मुडबिद्री के चोटा कबीले से संबंध रखती थी और उनके राज्य की राजधानी मैंगलोर के पास उल्लाल थी। 1525 से 1570 तक अब्बक्का उल्लाल की रानी थी और उन्होंने पुर्तगालियों को आतंकित किया था। गोवा पर अधिकार करने वाले पुर्तगालियों ने 1525 में मैंगलोर बंदरगाह को नष्ट कर दिया। जब अंग्रेज तटीय मैंगलोर को उपनिवेश बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब अब्बक्का ने पुर्तगालियों के खिलाफ लगभग 4 दशकों तक लड़ाई लड़ी। अब्बक्का अंग्रेजों के खिलाफ 1930 के केनरा विद्रोह और कुट्टा विद्रोह की प्रेरणा थी। मैंगलोर के राजा लक्ष्मणपा से अब्बक्का का विवाह अधिक समय तक नहीं चला। वह वापस उल्लाल के पास आईं। उनके पति अब्बक्का से बदला लेने के लिए पुर्तगालियों में शामिल हो गए। उसे विश्वासघाती रूप से पराजित किया गया और कैद कर लिया गया, लेकिन जेल में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। अब्बक्का ने यूरोपीय शक्तियों के तोपखाने और नौसेना के सामने तलवार और ढाल के साथ पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ाई जीती। ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸಿರುವಂತ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿರುವಂತ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಅಜಗಜಾಂತರ ಅಂತರ ಇದೆ। ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿಯ ಹೋರಾಟ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿ ದಾಖಲೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಆಗಬೇಕು। ಕಿತ್ತೂರ್ ಚೆನ್ನಮ್ಮ और उलाल रानी अब्बक्का इस मिट्टी की किंवदंतियां हैं और उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। भले ही उनका महल और किला नहीं रहा, लेकिन उनकी वीरता अमर है।